भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर आज मंगलवार को शाम 4 बजे भीलवाड़ा सर्किट हाउस आएंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। प्रधान अध्यापक परीक्षा 2022 के 5 विषयों के 102 पदों के लिए 15 नवंबर से 17 नवंबर तक परीक्षा का आयोजन होगा। अजमेर, जयपुर और जोधपुर जिला मुख्यालयों पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी की आशंका जताई। विभाग की माने तो आज प्रदेश के कई जिलों का मौसम शुष्क रहेगा। भारत के निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहले रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण आज किया जाएगा। हैदराबाद के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरो स्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। 17वां वे G20 सम्मेलन में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी बाली में होंगे। 2 दिन में कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगी। पहले दिन शहडोल में जनजाति गौरव दिवस में शिरकत करेगी। उसके बाद भोपाल में उनका महिला और सहायता समूह में शामिल होने का प्रोग्राम है। उत्तराखंड के ओली में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना अपना युद्ध अभ्यास शुरू करेगी। इस बार पहली दफा भारतीय सेना ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए हाई एल्टीट्यूड में फॉरन टर्निंग नोड बनाया है। ये भारतीय सेना का पहला हाई एल्टीट्यूड टर्निंग नोड है। भारत और अमेरिका की सेना के बीच युद्ध अभ्यास साल 2004 से शुरू हुआ था। उत्तराखंड के बहुचर्चित शक्तिमान घोड़े की मौत मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर आज देहरादून के जिला और सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। आर्मी रिटायर कर्नल होशियार सिंह ने ये पुनर्विचार याचिका दायर की है। SBI क्रेडिट कार्ड पर आज से रेट पेमेंट्स पर प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी। कंपनी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए गए रेट पेमेंट्स पर प्रोसेसिंग फीस लेगा। क्रेडिट कार्ड कंपनी क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए रेट पेमेंट्स पर 99 रुपए और GST चार्ज करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की रिटेंशन की डेडलाइन आज। IPL 2023 के लिए मिनी ऑक्शन 23 दिसंबर को कोची में होगा। इससे पहले BCCI ने सभी फ्रेंचाइजी से 15 नवंबर तक रिटेन और रिलीज किए हैं। खिलाड़ियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है।